अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमान हसन और आप देख रहे हैं ऑटो इनसाइट्स। आज का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें 10,000 अप्रोच करने में हेल्प आउट करें, सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए हम इस तरह के लेटेस्ट बाइक के रिव्यूज लेके आते रहें। हमारे साथ मौजूद है फारूक भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज अपने व्यूअर्स के लिए क्या चीज लेके आए हैं, कौन सा 2024 मॉडल आपने निकाला है? 2024 का यहाँ यूनाइटेड का 100 लॉन्च हुआ है। अच्छा, रेड कलर का पहले रिव्यू आपको दे चुके हैं। बिल्कुल, ब्लैक असल में बहुत ज्यादा हमारे पास डिमांड आ रही थी, खास तौर से केपीके से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी। हमारे पठान भाई की बहुत डिमांड रही कि यार ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है, तो इसलिए हमने ब्लैक कलर की वीडियो अपलोड कर दी, ताकि जो लोग ब्लैक कलर को पसंद करते हैं, ब्लैक को लाइक करते हैं, हमारे पास आए, ब्लैक परचेज कर सकते हैं। आपके लिए ये ब्लैक एडिशन का भी रिव्यू लेके आए हैं, रिव्यू के अंत तक देखिएगा। इसमें आपको जो प्राइस है वो फारूक भाई, क्या प्राइस आप ऑफर कर रहे हैं? सर प्राइस की 1,26,500 है, जो आज होंडा 70 की प्राइस है कम से कम 35,000 के फर्क के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और प्राइडर की अगर प्राइस देखें तो कम से कम आप ये कह सकते हैं 90,000 का फर्क है। ऐसे ही है, तो आप ये देखें, इसमें लाइव व्यूज भी आपको देखने में मिल रहे हैं, काफी सॉफ्ट सीट है, आप फैमिली के लिए लेना चाहते हैं तो बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। अच्छा, मैं अगर आपको एक और बात बता दूं, प्राइडर अगर 2,09,000 रुपए का है, उसमें लाइव व्यूज भी नहीं है। बिल्कुल, लाइव व्यूज नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा फंक्शन है कि लाइव व्यूज भी है। बिल्कुल, कीमत में देखें 90,000 का फर्क, बिग डिफरेंस है 90,000 रुपए का। और साउंड काफी इस बाइक की अच्छी है जी, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। तो या यहीं पे रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, रिव्यू का अंत तक देखिएगा। ये है हमारा यूनाइटेड का US 100 ब्लैक एडिशन। जैसे कि होंडा ने भी अपने ब्लैक एडिशन निकाले, तो यूनाइटेड ने भी अपना ब्लैक कलर निकाल दिया इस बाइक के अंदर। ग्राफिक्स आपको सबसे पहले दिखाते चले, ब्लू, ऑरेंज और येलोश इसके ग्राफिक्स दिए जाते हैं। पेंट क्वालिटी काफी अच्छी यूज की गई है, ब्लैक एडिशन है बाइक, इसके यहाँ पे आपको टैंक कैप भी अच्छा दिया जाता है। सबसे पहले इसके टैंक के ऊपर बात करता चलूँ तो 8.8 लीटर या 9 लीटर का आपको इस टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है। साइड पे आपको टैंक कवर मिल रहा है, जिसको साइड कवर भी कहा जाता है, साइड टापा है, उसके ऊपर US 100 लिखा हुआ है, फाइबर के अंदर आता है। इसके अलावा इसके फीचर्स के ऊपर बात कर ली जाए, आपको सबसे पहले इसमें मीटर देखने को मिलता है, 120 के इसके अंदर स्पीडोमीटर है, माइलेज आपकी कितना बाइक चल चुका है, 0 मीटर बाइक है। आपको यहाँ पे न्यूट्रल, टर्न सिग्नल्स और इसके अलावा आपको हेडलाइट का ऑप्शन मिलती है। कि यहाँ पे इग्निशन स्विच है, राइट साइड पे आपको एक्सेलरेशन की ग्रिप है, काफी स्मूथ है, फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम की ग्रिप है। इसके अलावा यू हैंडल काफी दिया जाता है स्पोर्टी लुक के लिए। यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम, इसके अलावा ऑन ऑफ और टर्न सिग्नल्स और हॉर्न की ऑप्शन इस बाइक में देखने को मिलती है। क्लच यहाँ पे माउंट किया गया इस बाइक का। अब फ्रंट साइड की तरफ आता चलूं, फ्रंट से भी आप देखते चलें तो बाइक का जो हेड है काफी उसके अंदर मैसिव साइज है, ऊपर 1 ईयर वारंटी आपको देखने को मिलती है लिखा हुआ है। इसकी जो हेडलाइट है इसके अंदर हेलोजन बल्ब यूज किया गया है, काफी बड़ी इसकी साइज है। साइड पे आपको टर्न सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, थोड़ी बहुत फ्लेक्सीबिलिटी इनके अंदर भी है। शॉक्स के ऊपर बात की जाए, जो कि एक्साइटिंग चीज है, इसके अंदर शॉक्स टेलीस्कोपिक है, किसी किस्म के अपसाइड डाउन शॉक्स नहीं है, टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं। ये 76 बाइक को चीज जो है डिफरेंस करती है। इसके अंदर फ्रंट पे डायमंड कट के साथ मैटर फाइबर के अंदर इसका मडगार्ड दिया गया है, 2.25x18 का 18 इंच इसका इसके अंदर अलाई व्हील्स कंपनी प्रोवाइड करती है। फ्रंट पे जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ड्रम ब्रेक कंपनी यूज कर रही है, और बैक पे भी कंपनी ड्रम ब्रेक यूज करती है। इस बाइक के इंजन के ऊपर बात कर ली जाए, यहाँ पे आपको सबसे पहले साइड लॉक मिलता है, जो इसके फ्रंट पे मेटल यूज किया गया वो भी आपके सामने है। बैंड काफी इसका हैवी मेटल यूज किया गया है, चोक आपको मिल रही है, कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है, ऑन ऑफ की ऑप्शन। इसके अलावा यहाँ पे आपको 4 गियर मिलती हैं, चारों आगे की तरफ लगती हैं। 100 cc की तकरीबन डिस्प्लेसमेंट है, 97 cc का इसके अंदर सेंटीमीटर का इसके अंदर आपको सिलेंडर देखने को मिलता है। यहाँ पे आता चलूँ तो इसका जो मडगार्ड है, सॉरी इंजन चेन कवर है, वो भी आपको मेटल में देखने को मिल रहा है, काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। यहाँ पे आपको जो शॉक्स है, ब्लैक एडिशन है तो सारा कुछ ब्लैक में है, टैंक भी ब्लैक में, साइड कवर भी ब्लैक में, शॉक्स भी ब्लैक में, और नीचे वाला जो फाइबर प्लास्टिक है वो भी ब्लैक में आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको स्प्रिंग वाले शॉक्स देखने को मिलते हैं, बैक पे थोड़ी सी रेल है जहाँ पे आप अपनी चीज वगैरह बांध सकते हैं, पीछे आपको सारा फाइबर के अंदर ये नीचे सीट का कवर मिलता है, इसके ऊपर भी ग्राफिक्स माउंट किए हैं। बैक साइड पे आते चले, इसकी जो ब्रेक लैंप है बैक साइड का, वो भी बैक टेल के अंदर माउंट किया गया है। पीछे आपको दिखाते चलूँ तो टेल है सारी इसके अंदर। सुपर ऑटोस पे आपको ये बाइक मिल सकता है, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल इसके टर्न सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। सीट के ऊपर बात करता चलूँ, फैमिली बाइक के लिए भी है, फैमिली के लिए भी एक बाइक है। इसके अंदर आप पीछे लेडीज भी बिठा सकते हैं, काफी सॉफ्ट सीट है। फ्रंट पे भी इसके अंदर 2 बंदे इजीली बैठ के ट्रेवल कर सकते हैं। बैक टायर के ऊपर आते चलें, डायमंड का टायर है, 2.50x18 का इसके अंदर साइज है, 18 इंच इसके अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं। बैक पे भी ड्रम ब्रेक है। इसके अलावा साइलेंसर जो है इसका आपको दिखाते चलूँ, जैसे कि हमें होंडा CG125 के अंदर मिलता है, उस तरह का हमें जो यूरो टेक्नोलॉजी के बगैर आता था उस तरह का इसके अंदर
साइलेंसर दिया जाता है, इसके फुटरेस्ट वगैरह का बैंड भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छा मटेरियल यूज किया गया है। अब इंजन का आपको बता चुका हूँ कि 97 का क्यूबिक सेंटीमीटर का इसके अंदर सिलेंडर दिया जाता है, 100 सीसी का इंजन है, कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है, 110 तक टॉप स्पीड रखता है और जो फ्यूल एवरेज देता है 45-50 आपको किलोमीटर पर लीटर फ्यूल एवरेज भी दे सकता है। इसके अलावा इसकी आपको प्राइस एंड रेट बताएंगे और आप इसको लेना चाहें तो सुपर ऑटो से आप इसको ले सकते हैं।